हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम लेके आए हैं इश्क मुर्शीद के ओएसटी का रिएक्शन। और जहां मैं देख रहा हूँ हर कोई यही कह रहा है कि भाई इसका ओएसटी बहुत कमाल का है। इसके जो सिंगर है वो है अहमद जैनजीब। और हमने देखा है कि जो पाकिस्तानी ओएसटीज होते हैं ना, वो एक्चुअली बहुत कमाल के होते हैं, क्योंकि उनका एक तो बहुत बड़ा रोल होता है, वो पूरे के पूरे शो में उनको कहीं ना कहीं चलाया जाता है। तो अगर वो अच्छे नहीं हुए तो पूरे शो की रिदम बिगड़ जाती है। सो देखते हैं फिर ये वाला कैसा होगा। और हम लोगों ने बहुत सारे ओएसटी देख रखा है ना, तेरे बिन देख रखा, वो तो हम लोगों ने पूरा ड्रामा ही देख रखा। तो मुझे सच में बताऊं तो मुझे पाकिस्तानी ड्रामा देखना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। पहले नहीं लगता था, लेकिन अब जब से हम लोगों ने ना ओएसटी वगैरह पे देखना स्टार्ट किया, तब से अच्छा लगने लगा है। और लाइक हमें, मुझे नहीं पता कि लाइक इसमें लाइक किसके बारे में बात करी है, क्या होने वाला है। और शायद हम लोगों ने इनको मतलब कि पहले भी नहीं देख रखा, जो उसमें एक्टर और एक्ट्रेसेस है मुझे उनके बारे में भी नहीं पता है कौन है ना, और क्या हमने उनको देख रखा है पहले, मुझे ये सब भी जानना है। तो सीरियसली मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ वीडियो को देखने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। शादियों को लेके सब चीज होती है नहीं पाकिस्तान में। और हम लोगों ने इनको दोनों को पहले नहीं देखा है, कभी भी नहीं। आहा, कितनी प्रिटी है वो। सही में जाने तमन्ना जाने अदा तुझे जैसा है सोचा पाया वो ही सूरज की किरणों सा एक चेहरा देखा है तुम सा मैंने नहीं मेरी मोहब्बत का हर लम्हा तुझे ही गुम सा गया। क्या आवाज है। मैं हूँ आशिक ना मैं दीवाना, कह दो मुझे जो पिया चाहे तो कदमों में सर रख दूं। ये जीवन बस पूरा पे ही फोकस किया है। मेरी जान नजर कर दूं। वाह, तेरा मेरा प्यार अमर। बहुत प्यारा गाना है यार, ये तो दिल छूने वाला गाना है। और लड़का पूरा फिदा है। वो लड़की अपने भोलेपन में चीजें कर रही है और लड़का फिदा है उसके ऊपर। नूरे जहां नूरे मोहब्बत दोनों जुड़े तुझसे पीछे लग रही है। पागल या जोगी मुझको कहो तुम, हाँ मेरा इश्क सबसे तेरी खातिर सा जलूं मैं, चाहे हो जो भी भला। ना मैं हूँ आशिक ना मैं दीवाना, कह दो मुझे जो पिया तेरा पिया है प्यार अमर। क्या चाहे तो कदमों में सर रख दूं। इतना स्मूथ है ये पूरा। तेरा मेरा प्यारे रिलेशनशिप, प्यारा सॉन्ग, देखने लायक पूरा ये शो। एकदम ही ड्रीमी सी लड़की है और बहुत ही कमाल का लड़का है जो उसके पीछे भाग रहा है। लेकिन जो कमाल था वो था ये ओएसटी, कितना प्यारा सा था, इतना फ्लोई सॉन्ग था ना, लाइक कोई ज़्यादा कोई मतलब ऑटो ट्यून या कुछ सुनने को नहीं मिल रहा। वो एक थोड़ी पुरानी वाइब आ रही है तबले के साथ, उसको सुनना तो मेरे को बहुत प्यारा लगा है सॉन्ग। एंड जो उनकी केमिस्ट्री दिखाई गई है, पर यही है कि लाइक पाकिस्तान वाले हमने शोज में देखा हुआ है कि किस तरीके से इतनी प्यारी केमिस्ट्री होती है, एंड उसमें फिर या तो फैमिली की खिचड़ी आ जाएगी या कुछ ना कुछ आ जाएगी।
जाएगा और पूरा वो ड्रामा ऐसा हो जाता है ना जो हमने तेरे बिन में देखा था वैसा कुछ होगा। तो अब देखेंगे इनके बीच क्या होता है। सीरियसली बहुत ही कमाल की वीडियो थी। और मतलब कि इसमें ये दिखाया गया था कि मतलब कि पहले तो ये था कि उसने शादी में उसको देखा है ना, फिर वो धीरे धीरे करके उसको फॉलो कर रहा था, फिर वो बहुत ज्यादा क्लोज आ गए है ना। और मुझे ऐसे लग रहा है कि वो लड़की कहीं ना कहीं टीचर है और फिर उसको देख रहा है, तो चीजें मेरे को बहुत ज्यादा क्यूट लगी। और मुझे सबसे अच्छा जो लगा वो था गाना इसका है ना। अगर इंडिया की बात करें तो स्पेशली बॉलीवुड की बात करें तो यार हमारे ना यहाँ बॉलीवुड में अभी इतने अच्छे गाने नहीं रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब हम लोग पाकिस्तानी सॉन्ग्स को सुनते हैं ना, हमें बहुत ज्यादा अच्छा लगता है क्योंकि वो सीरियसली बहुत ज्यादा सुंदर होता है। ये भी गाना बहुत ज्यादा अच्छा था और ऊपर से जो वो उसमें दिखा रहे थे वो कैसे मिल रहे हैं ना, वो चीज उसको चार चांद लगा रही थी, तो सीरियसली मुझे भी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी। और अगर एक्टर एक्ट्रेस की बात करें तो हमने नहीं इनको पहले देख रखा, ये पहली बार था जहां ने देखा। पर हाँ, वो जो लड़की थी वो बहुत ज्यादा प्रिटी थी। और आई होप हम लोग इनके ट्रेलर्स भी देखे और इनके कुछ एपिसोड्स भी देखे तो मुझे काफी अच्छी लगी। तो आप लोगों को ऐसा लगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। तो ऐसे लाइक करते जाए, कमेंट करते जाए, शेयर करते जाए और सब्सक्राइब करते जाए। बाय।